वेलकम बैक टू माई चैनल कोलकाता बैकपैकर। मैं सुमित आपका दोस्त। इस वीडियो में मैंने कुछ सोचा था और कुछ हो गया, क्योंकि हम लोगों ने शायद कुछ सोचा था और कुछ हो गया। मैंने एक न्यू एक्शन कैमरा लिया था ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए। सोचा था कि मैं ट्रैवलिंग करते हुए आपका मैं उसका फीडबैक बताऊँगा, लेकिन आपको तो पता है कि हम लोग एक प्रॉब्लम से लड़ाई कर रहे हैं अभी, तो जल्दी हम लोग जीत जाएंगे, तो उसके बाद ही मैं ट्रैवलिंग के वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, ट्रैवलिंग मेरा स्टार्ट हो पाएगा। तो आज मैं ये ब्लॉग जिसलिए बना रहा हूँ, मैंने जो न्यू एक्शन कैमरा लिया था Eken H9R, तो मैं उस कैमरा का अनबॉक्सिंग करूँगा, क्योंकि अभी तो बाहर आपको पता ही हमें लॉकडाउन रहना है और लॉकडाउन को सपोर्ट करना है पूरी तरीके से। तो मैं घर में ही रह के मैं वो कैमरा को अनबॉक्सिंग कर, बहुत दिनों से वो कैमरा मेरे पास पड़ा हुआ है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर नहीं पा रहा हूँ रीज़न से। तो मैं आपको स्पेशल जो चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैंने कैमरा लिया Eken H9R एक्शन कैमरा, दिस इज़ द कैमरा। आप देख सकते हैं दिस इज Eken H9R एक्शन कैमरा। इस कैमरा का आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और इसमें जो फीचर्स है आपको मैं दिखा दूँ, देख सकते हैं दिस इज़ द फीचर्स ऑफ न्यू एक्शन कैमरा। वैसे मैं आपको बता दूँ, अल्ट्रा एच डी 4K वाटर प्रूफ है, प्लस ट्विंच है, वीडियो 4K 32.7K 1080 60 FPS 30 FPS 720p 120 है, सुपर वाइड एंगल लेंस है, वाटर प्रूफ है, 30mm मल्टी लैंग्वेज स्टोरेज, माइक्रो SD इंक्लूडेड नहीं है, इनपुट आउटपुट है। चलिए तो देखते हैं ये कैमरा कैसा है। इसका कैमरा का मैं सैम्पलिंग भी आपको, वीडियो सैम्पलिंग भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो करते इस कैमरा का मैं Eken H9R इस कैमरा का मैं अनबॉक्सिंग और इसका मैं रिव्यू कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिर्फ एक बार इसको खोला था बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो इसके साथ मुझे मिला है ये, एक मैनुअल बुक। इस द मैनुअल बुक, आप देख सकते हैं इसमें आपको कौन सी चीज़ कैसे के यूज़ करें वो आपको पता चल जाएगा, और कुछ एक्सेसरीज। ओके सॉरी, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। अच्छा, ये कैमरा का एक सबसे बड़ी बेनिफिट है जी, एक बैटरी, रिमोट बैटरी है जिसमें आप अपने कैमरे को फोटो वीडियो आप इस पर इससे आप कंट्रोल कर सकते। इसका जो रिस्ट में आपको ऐसा पहनना होता है। एक आपका केबल मिला है, एक चार्जर, और ये रहा आपका वो रिस्ट जिस पे आप वो बैटरी को आप लगा के आप अपने कैमरे का आप कनेक्ट करके आप इससे आप कैमरे का कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। तो जल्दी से मैं कैमरे को करता हूँ अनबॉक्सिंग। तो ये रहा मेरा नया Eken H9R एक्शन कैमरा, जो मैंने सोचा था मैं ट्रैवलिंग के वक्त बाहर से मैं ब्लॉग करके आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता है रीज़न हम लोग अभी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो मैं अपने घर से इसको मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। इसका वीडियो क्वालिटी कैसे मैं आपको वो बताऊँगा। तो दिस इज़ आवर न्यू एक्शन कैमरा, जिसमें मुझे इतना सारे आप मुझे एक्सेसरीज मिला है। पता नहीं ये एक्सेस किस में। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। लेकिन और भी अगर माउंट, बहुत सारे माउंट मिला है आपको, बहुत कुछ केबल्स वेबल्स वगैरह वगैरह, बहुत कुछ, बहुत सारे सामान आपको मिला है, जिससे जो लोग मोटो ब्लॉगिंग करते होंगे या फिर रॉक क्लाइंबिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट्स के बाहर में आप वहाँ पर लगा सकते हो। मैं बेसिकली ट्रैवल ब्लॉग को, मेरे लिए तो ट्रैवलिंग के टाइम में ये ज़रूरत होता है। तो चलिए मैं इसको फिट करता हूँ अपने गोरिल्ला पॉट पे, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है, इसका कैसा इसका पिक्चर क्वालिटी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपको यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक माइक्रो SD मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है, जो आपका 100 KBPS आपका इसमें सपोर्ट करेगा। 32 GB का ये है, और इसके साथ एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। एक्सटर्नल इंटरनल माइक इनबिल्ट है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि ऑडियो क्वालिटी इसका कैसा है।
और अलग से इसमें आप इसको कोई पॉट आप लगा नहीं सकते। आपको पॉट फिट करने के लिए पहले इसको आपको इसमें आपको सेटिंग करना पड़ेगा। ऐसे आपको सेटिंग करना लगाना पड़ेगा इसको। उसके पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चलिए फर्स्ट क्लास, चलिए फिटिंग हो गया आपका। ये रहा मेरा गोरिल्ला पॉट। इस पे मैं इसको फिट करता हूँ। हो गया मेरा ये फिटिंग। चालू करें, देखते से वीडियो क्वालिटी। अभी तक मैं अपना कैमरा से इसको मैं शूट कर रहा था। राइट नाउ मैं अभी शूट करूँगा अपना न्यू एक्शन कैमरा से और मैं आपको बताऊँगा कि इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। लेट्स सी। मेरा घर जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मेरा जो न्यू एक्शन कैमरा है Eken H9R, इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। और मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरा वॉइस आप जो सुन रहे हैं, ये डायरेक्टली आपका Eken H9R में, इसमें कोई अलग से मेरा माइक लगा हुआ नहीं है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, दिस इज़ द वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी काफ़ी साफ है, काफ़ी क्लियर है, मुझे तो लग रहा है। और थोड़ा सा वीडियो अगर स्टेबलेशन आपका रहे तो और भी बेटर रहेगा, लेकिन ठीक है, एज पर माई ओपिनियन वीडियो क्वालिटी काफ़ी ठीक है। आप पत्ते को भी देख सकते हैं कैसा लग रहा है, किसी का वीडियो क्वालिटी भाई बढ़िया है। आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो ये कैमरा तकरीबन पड़ गया था 4000 रुपये। मैंने ये banggod.com से लिया था। 4000 में जो ये न्यू एक्शन कैमरा है, मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। लो बजट ट्रेवलर के लिए आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। आपको सारा चीज़ सैम्पल आपको मिल जा रहा है। हाँ, सिर्फ मैंने दो तीन चीज़ मुझे इसमें मिसिंग लगी, जो एक मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आप एक्सटर्नल माइक आप फिट नहीं कर सकते हो। और थोड़ा सा अगर वीडियो स्टेबलेशन सही रहे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी सब कुछ बढ़िया है, ठीक ठाक है। वॉइस नॉइस कैंसलेशन जो आपको अभी पता चली जाएगा कि इसमें वॉइस कैसा आपको मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।